मैं बता दूँ केवल, आप लोग कहिएगा। ये फायरमैन तरीका है, ये हाथ हमने पकड़ लिया, ये पैर इस पैर में हमने डाला, और ये आप लूज होइएगा पंडित मेरे शरीर पर ही, ये यहाँ शरीर पर आप सटिए लूज होइए, ये हाथ खाली हो गया हमारा और ये हमने उठा लिया। क्यों हाथ आप रखे हमारे से? आप फ्री रखिए, जब डूबा हुआ व्यक्ति होगा हम इसको हिलाते हुए चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? अब आप दिखाइए कौन सब चीज सबसे बेहतर। पांडे जी, पांडे जी, हमला गड़बड़ 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 था ना? यस, आप घुसाइए वही हाथ नीचे, जल्दी हाथ नीचे से, हाथ नीचे से लाइए, ये आराम से हड़बड़ाने नहीं है, इस हाथ से पकड़िए इसको हाथ को, और ये हाथ यहाँ रखकर अब उठाइए ये। आप पंडित जी आप लटकिए, आप बेहोश हैं, दूसरा लेते हुए हम नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, नो इशू, बस वेरी गुड। कोशिश ये करना है, हाँ एक और तरीका आप सीखिए, चलिए पकड़िए इस हाथ से, पकड़िए पैर वहाँ जहाँ रखे थे पैर, अब इस हाथ को ले जाइए नीचे से, नीचे से लाइए, लाइए और रुको जा, और जो हाथ है मैं जैसे कहूंगा वैसे पकड़ेंगे आप। अब उस हाथ को पकड़ लीजिए, उनके हाथ को पकड़ लिया आपने, अब उठाइए। एक तरीका ये भी है, पहले तो यही उठाया था ना, ना ये नहीं था औरत, नहीं नहीं था, ये नहीं था। औरतें जब साड़ी वाली मिल जाएंगी तो आपको बीच में हाथ लगाने में नहीं बनेगा, आप के सामने डूबा हुआ मामला औरत का भी आ सकता है, पुरुष का भी आ सकता है, इसलिए ये तरीका वैसे जगहों के लिए जहाँ बीच में हाथ लगाने में नहीं बने। दोनों ही फायर में लिप्त है, हिलाते हुए ले जा सकते हैं जब डूबा हुआ मामला हो, और हम बगैर हिलाए जब कैरी करके कहीं पहुँचाना है तो ले जा सकते हैं। धन्यवाद पांडे जी, आपके लिए भी और तुम्हारे लिए भी, थैंक यू। क्लियर हो गया?